कोरोना का इंपैक्ट था, सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक बड़े था वित्तीय बोझ था सरकार के ऊपर। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरे डाटा के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल आप लोगों के बीच बैठा हुआ है। हम कंपेयर भी करेंगे श्री रघुवरदास जी के अंतिम वर्ष का जो कार्यकाल था कि अभी तक नवंबर तक 12,038 करोड़ रुपए का संग्रहण किया जा सका। और तभी मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी के प्रति हम लोग प्रशंसा करते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा कि जो स्टेट ओन टैक्स पे जो हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए 26,669 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में नवंबर 2020 तक 12,038 करोड़ रुपए का संग्रहण किया जा सका। यह संभव नहीं था। अगर आप लास्ट ईयर को देखेंगे, रघुवरदास जी के इस कार्यकाल को देखेंगे, तो ये कलेक्शन नहीं हो पाया था नवंबर महीने तक। अब एक चीज हम बताना चाहेंगे कि ये संघीय ढांचा है हमारे देश में, जो हमारे स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके एवज में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान की राशि राज्यों को वो देती है। 2020-21 में इस झारखंड राज्य को मिलना था 25,979 करोड़ रुपए, मिला कितना? अभी तक इस राज्य को मिला है 11,079 करोड़ रुपए, यानी कि 14,900 करोड़ रुपए ये कोई मामूली राशि नहीं है मित्रों। मैं दो दिनों से हमारी पार्टी देख रही है, राज्य का जो मुख्य प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, एक वर्षों में विकास नहीं हुआ। हम तो ये फिगर के माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर से कि ये पैसा केंद्र सरकार, उनकी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार से लेकर के झारखंड को दीजिए और तब हिसाब मांगे कि हेमंत सोरेन सरकार ने क्या काम किया। इसके पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी कि हम झारखंड के जो गरीब लोग हैं उनको जो चप्पल पहनते हैं उनको भी हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी जिलाओं में भ्रमण कराएंगे। मगर ये कोरोना जैसे महामारी में भी ये सरकार ने ये दिखाने का काम किया कि एक तरफ पूरे विश्व कोरोना जैसे महामारी झेल रही है और ये सरकार जो है उस महामारी में जो हमारे राज्य के जो बाहर गए मजदूरों को जिस तन्मयता से, जिस तन्मयता से जो बाहर से पलायन मजदूर को जहाज से लाने का जो काम किया, ये भारत वर्ष में ये पहला राज्य है। प्रथम ट्रेन झारखंड में ही आई, जो पलायन मजदूर थे उनको लाने का काम ये सरकार ने किया। पूर्ववर्ती सरकार ने इस सरकार को खजाना खाली देने के बावजूद इस सरकार ने जिस मुस्तैदी से सर
सभी जिलाओं में कोरोना काल में जिस मुस्तैदी से जो काम किया, इसका राष्ट्रीय जनता दल सरकार को बधाई देती है कि ये सरकार जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो राज्य के अंदर के जो लोग हैं उनके साथ भी और जो बाहर से आए उन लोगों के साथ भी।